हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू भारद्वाज इकोनॉमिक्स क्लासेस। चैप्टर टू चल रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। और इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा टू बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी। जो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी आपने पढ़ लिया, आपको समझ आ गया होगा उसकी दो प्रॉपर्टीज क्या थी। एक तो थी पीपीसी ऑलवेज लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, और दूसरी प्रॉपर्टी थी पीपीसी कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये आप पढ़ चुके हैं। अब आज हम इसमें पढ़ेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और इसके साथ ही चैप्टर टू फिनिश हो जाएगा आज। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, ये हमें बहुत अच्छे से समझना है। देखिए, पहली बात है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हिंदी में बोलते हैं अवसर लागत। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, देखिए जब कोई भी फैक्टर किसी प्रोडक्शन वर्क कर रहा होता है, जब वो एक प्रोडक्शन वर्क में से दूसरे में जाता है, तो वो जो पहले वाले प्रोडक्शन को छोड़ता है, उसकी जो उसका जो उसे नुकसान होता है, दूसरे को पाने के लिए उसे पहला छोड़ना पड़ेगा, तो उसका जो नुकसान होता है उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अवसर लागत कहा जाता है। एक एग्जांपल समझ लीजिए। सपोज मैं एक टीचर हूँ और मैं किसी स्कूल में टीचिंग कर रहा हूँ, और मुझे वहाँ पर 30,000 मिल रहे हैं, और मैं उस स्कूल को छोड़ करके दूसरे स्कूल में मुझे ऑफर आता है कि 40,000 में आप यहाँ आ जाइए, और मैं उस स्कूल को छोड़ करके दूसरे स्कूल में पढ़ाने जाता हूँ और वहाँ मुझे 40,000 रुपीज़ पर मंथ मिलता है, तो मेरे लिए जो 40,000 पर मंथ मिल रहा है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, यानी कि वो मुझे कब मिली, मैंने उसके लिए क्या कीमत चुकाई, मैंने उसके लिए 30,000 को छोड़ दिया, तो 30,000 का जो पहले मिल रहा था उसको मैंने छोड़ दिया, त्याग दिया, यानी उसका नुकसान कर दिया, तो वो 30,000 मेरी नई जॉब की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। अब आपको समझ में आ गया होगा, तो इसी को और अच्छे से समझ ले कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू वैल्यू ऑफ अ फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज। किसी भी फैक्टर के नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज, जो अगला अच्छा यूज हो रहा है उसका, जिससे उसे ज़्यादा गेनिंग हो रही है, ज़्यादा उसको फायदा हो रहा है, उसी को उसकी वैल्यू को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। अब एक एग्जांपल से और समझ लीजिए। सपोज मिस्टर ए इज वर्किंग इन अ बैंक एट द सैलरी ऑफ ₹40,000 पर मंथ। मान लीजिए कि ए किसी बैंक में वर्क करते हैं और उसकी सैलरी है 40,000 पर मंथ, एंड रिसीव्स वन मोर जॉब ऑफर, और उसे एक और जॉब करने का ऑफर आ जाता है। इफ ही वर्क्स एज एन एग्जीक्यूटिव ही विल गेट ₹50,000 पर मंथ। अब वो जॉब क्या आता है कि अगर वो एक एग्जीक्यूटिव के रूप में कहीं पर दूसरी कंपनी में काम करें तो उन्हें 50,000 पर मंथ मिलेंगे। जो आदमी 40,000 पर मंथ में एक जगह काम कर रहा है और उसको दूसरी जगह का ऑफर आता है, वहाँ उसे 50,000 पर मंथ मिलेंगे। तो इन द गिवन केस, अब इस केस में द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वर्किंग एज एन एग्जीक्यूटिव विल बी ₹40,000। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो अगर वो एग्जीक्यूटिव के रूप में कार्य करता है, अगर वो बैंक की नौकरी को छोड़ करके एक दूसरी कंपनी में जा करके एग्जीक्यूटिव की सर्विस करता है, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, 40,000 के बराबर होगी जो उसने छोड़ी है, जो उसने छोड़ के आया है। बिकॉज इट इज़ द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन, क्योंकि ये उसके लिए जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव के लिए, अच्छे अल्टरनेटिव के लिए जो उसने त्याग दी, पहली वाली जो उसने छोड़ दी, उसकी कॉस्ट है। आपको समझ में आ गया होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। उसके बाद है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, ये बस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ही सेकंड स्टेप है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी इसे कहा जाता है, दोनों नाम आप समझ लें, MOC या MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इट रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन व्हाट इज द लॉस एंड व्हाट इज द गेन व्हेन द रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम वन कॉमोडिटी टू अनदर कॉमोडिटी। जब कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या जब भी कोई फैक्टर या रिसोर्सेज एक एक जगह से दूसरी जगह लगाए जाते हैं, यानी कि एक जब आप मान के चलें कि हम PPC पढ़ रहे हैं जैसे, या इसमें क्या होता है कि हम टू कॉमोडिटी का प्रोडक्शन करते हैं, दो वस्तुओं का प्रोडक्शन करते हैं, जब हमें एक का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा तो दूसरे को छोड़ना होगा, तो दूसरे जो उसमें से जो रिसोर्सेज हैं दूसरे में शिफ्ट करने होंगे जिसका हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो जिसने जिसमें से हमने रिसोर्सेज को निकाला वहाँ नुकसान होगा, लॉस होगा, और जिसमें हमने प्रोडक्शन बढ़ाना है वहाँ गेन होगा। तो वो गेन और लॉस का जो रेशियो है उसे हम करते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा। जब हम एक प्रोडक्शन से दूसरे प्रोडक्शन में जाते हैं तो वहाँ पर हम जो पहले प्रोडक्शन का जो नुकसान होता है उसका और जो नए प्रोडक्शन का गेन होता है उसके रेशियो को क्या कहते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। और इसका एक फॉर्मूला होता है कि MOC यानी कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू लॉस ऑफ वन कॉमोडिटी अपॉन गेन ऑफ अनदर कॉमोडिटी। आप रेशियो तो आप जानते हैं, रेशियो का मतलब डिवीजन होता है, तो लॉस ऑफ वन कॉमोडिटी अपॉन गेन ऑफ अनदर कॉमोडिटी, या इसे इस तरह से कह सकते हैं कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू लॉस ऑफ गुड वाई एंड गेन ऑफ गुड एक्स। अगर हम एक्स कॉमोडिटी को बढ़ा रहे हैं तब ये फॉर्मूला होगा कि अगर हम एक्स कॉमोडिटी को बढ़ा रहे हैं एक्स, तो वाई में से हम फैक्टर्स को निकाल रहे हैं या रिसोर्सेज को निकाल रहे हैं तो वहां लॉस होगा, तो लॉस ऑफ गुड वाई अपॉन गेन ऑफ गुड एक्स, ये फॉर्मूला होता है। इतना आप समझ गए होंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। इसके बाद इसे मैं एक डायग्राम और एक शेड्यूल के द्वारा और समझाता हूं, तो इतना इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे समझते हैं। चलिए अब इसमें कुछ डिफरेंट शेप्स जैसे PPC क्या आती है। सबसे पहले MOC आपको समझना है, MOC के अकॉर्डिंग यानी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अकॉर्डिंग ही PPC की शेप चेंज होती है, ये आपको समझना है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इन केस ऑफ PPC MOC ऑलवेज इंक्रीजिंग। अगर हम PPC पढ़ते हैं तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में हमेशा MOC इंक्रीजिंग होता है, यानी कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होती है। दूसरी बात, MOC इज जस्ट लाइक द स्लोप ऑफ PPC। जो MOC है यानी कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ PPC कहा जाता है, यानी कि वो स्लोप ऑफ PPC होता है। दो चीज़ अब सबसे पहले इसे डायग्राम और उसे समझेंगे, समझ में आ जाएगा। आपने इससे पहले शुरू में जब आपने PPC पढ़ा था उसमें भी ये शेड्यूल पढ़ा था कि गुड एक्स, गुड वाई और MOC। गुड एक्स सपोज हम 0, 1, 2, 3, 4 वही एग्जांपल ले लेते हैं, और गुड वाई 100 और 90, उसके बाद 70, उसके बाद 40 और फिर 0। अब यहाँ पर गुड एक्स का प्रोडक्शन पहले बिल्कुल नहीं करते तो गुड वाई का 100 करते हैं, ठीक है। यहाँ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कुछ नहीं है क्योंकि इससे पहले की यूनिट्स हमने नहीं ले रखी, यहाँ पर हम डॉट छोड़ देते हैं। और उसके बाद जैसे ही हम एक यूनिट एक्स की बढ़ाते हैं तो यहाँ पर वाई को सेक्रीफाइस करना होता है, तो वाई की जो सेक्रीफाइस करते हैं वो कितनी कॉमोडिटी, 10 कॉमोडिटी सेक्रीफाइस करते हैं। तो यहाँ रेशियो हो गया कि लॉस ऑफ वाई में कितना लॉस हुआ, यानी कि 10 का 10 रेशियो, 10 रेशियो, और यहाँ कितना गेन हुआ एक्स में 1, यानी 10/1 भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू क्या आ गया 10।
दूसरा है, मैंने आपको बताया था जहां रेशियोज का मतलब डिवाइड, यानी कि 10/1 कह सकते हैं आप इसे, तो इजिकल टू 10। अब सेकंड में उसके बाद अगर हम एक यूनिट एक्स की और बढ़ाते हैं तो हमें कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है यहाँ, 20 यूनिट्स का। तो लॉस जो है वो कितने का हुआ, 20 यूनिट्स का। अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा, लॉस ऑफ वाई यूनिट्स अपॉन गेन ऑफ एक्स यूनिट्स। तो यहाँ पर 20:1 इज इक्वल टू 20 हो गया, और उसके बाद यहाँ पर कितना डिफरेंस है दोनों का, 30:1। यहाँ पर एक बड़ा और यहाँ पर 30 को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ा, तो यहाँ 30 और यहाँ पर 40 का डिफरेंस है। एक यूनिट और बढ़ाने के लिए, 3 से 4th यूनिट बढ़ाने के लिए, एक यूनिट बढ़ाने के लिए यहाँ, और हमें यहाँ कितने छोड़ने पड़े, 40 यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। तो यहाँ 1:40। तो इसका मतलब है कि जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यानी कि जो इनको देखिए, मार्जिनल का मतलब क्या है, एक जब एक्स्ट्रा यूनिट्स को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए हमें कितना छोड़ना पड़ रहा है, वो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। ध्यान से समझ लें, हमने एक एक्स्ट्रा यूनिट को यहाँ प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितनी छोड़नी पड़ी, 10। नेक्स्ट एक्स्ट्रा यूनिट के लिए हमें 20, उसके बाद एक एक्स्ट्रा यूनिट के लिए हमें 30, और फिर एक एक्स्ट्रा मार्जिनल मतलब किनारे का, यानी कि लास्ट वाला। हमेशा हर किसी की मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इसकी ये है, इसकी ये है, इसकी इसी एक यूनिट के लिए, फोर्थ यूनिट के लिए ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, थर्ड यूनिट के लिए ये है, सेकेंड यूनिट के लिए है, फर्स्ट यूनिट के लिए ये है। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जब हम 1/1 एक्स कमोडिटी को बढ़ाते हैं तो उनकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजिंग रेट से आती है, तो इसे इंक्रीजिंग एमओसी कहेंगे। क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग एमओसी। और ऐसी कंडीशन में ये डायग्राम बना सकते हैं हम इसका, कि ये तो पहले भी आपने बनाया था, सपोज एक्स कमोडिटी 0 है और वाई कॉम्बिनेशन, ए कॉम्बिनेशन में वाई कॉमोडिटी 100 प्रोड्यूस हो रही है, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ आएगा, सेकंड पॉइंट यानी कि ये 2 कॉमोडिटी हो रही हैं, इसका 1 कॉमोडिटी हो रही है और इसकी 90 है, 90 और 1 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है 2 and 70 का, जब 2 and 70 यहां 2 और यहां 70, और उसके बाद नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा 3 and 40 का, इसकी 3 यूनिट्स और इसकी 40 यूनिट्स, और उसके बाद 4 and 0 का, यहां 4 और इसकी 0, तो ये आ गया, यानी कि ए बी सी एंड डी, सॉरी ए बी सी डी एंड ई, ये 5 के 5 कॉम्बिनेशन आ गए। जब हम इनको ज्वाइन कर देंगे तो इसे बोलेंगे पीपीसी, और ये पीपीसी क्या होगा, कॉनकेव होगा। पीपीसी कॉनकेव होगा। और उसके बाद नेक्स्ट में हम चलते हैं, अब इसी तरह से ये तो आपको समझ में आ गया कि जब एमओसी इंक्रीजिंग होता है, बढ़ते हुए क्रम में होता है, तो वहाँ पर जो पीपीसी का सेव होता है वो क्या होता है, कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। एमओसी निकालना भी आ गया, एमओसी किसे कहते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे होती है, एक एक्स्ट्रा यूनिट के लिए जो भी हमें जितने भी हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इसी तरह से दूसरा है, दूसरे में हम थोड़ा सा डिफरेंट कॉम्बिनेशन लेते हैं, जबकि देखिए पीपीसी हमेशा पीपीसी में ये कंडीशन होती है, कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, और दूसरी में यहां एक्स कमोडिटी का सेम ले लेते हैं हम, 0, 1, 2, 3, 4, और यहां पर हम सेम डिफरेंस ले लेते हैं,
100 से स्टार्ट करा था, 80, 60, 40, 20। बिल्कुल सेम डिफरेंस ले लेते हैं तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेम आ जाएगी। देखिए यहां दोनों में डिफरेंस कितना है, पहला तो छोड़ दीजिए, दूसरे में डिफरेंस कितना है 20 और डिवाइडेड बाय 1, यानी कि रेशियो 1, यहां एक यूनिट पर, यानी कि गेन लॉस कितना हो रहा है 20 यूनिट्स का, गेन कितना हो रहा है 1 यूनिट्स का, इज इक्वल टू एमओसी इज इक्वल 20 हो गई। और इस तरह से यहां भी लॉस कितना हो रहा है 20 यूनिट्स का, गेन कितना हो रहा है 1 यूनिट का सेकेंड यूनिट के लिए, तो यहां भी 20 हो गई। तो इस तरह से 20:1 इज इक्वल टू 20, 20:1 इज इक्वल टू 20। तो एमओसी जो है वो कांस्टेंट है, तो इसे हम बोल सकते हैं कांस्टेंट एमओसी। कांस्टेंट एमओसी में अब यहां पर क्या हो जाए, पीपीसी का जो शेप है वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। 100 एक्स जीरो वाई 100, एक्स की कॉमोडिटी 0, वाई 100 फर्स्ट कॉम्बिनेशन यहां आ गया ए, और बी का 1 एंड 80 और 260 40 का 3 के साथ कॉम्बिनेशन है, 20 का 2 के साथ कॉम्बिनेशन, 4 के साथ कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन लिख दिए। 0 एक्स की 0 प्रोडक्शन था तो वाई का प्रोडक्शन 100 था तो यहाँ पॉइंट आ गया, और फिर 1 कॉमोडिटी यानी कि 1 यूनिट, यहाँ 1 यूनिट का प्रोडक्शन था, यहाँ 80 यूनिट का प्रोडक्शन था, 1 एंड 80, इस तरह समझ गए होंगे आप, यहाँ 2 यूनिट का 60। तो इस कंडीशन में जो ये शेप आएगा ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। पीपीसी स्ट्रेट लाइन, पीपीसी स्ट्रेट लाइन, जबकि ये पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन हम आपको सेफ, अगर ऐसे एमओसी हो तो ऐसे हो सकता है। और तीसरा है, तीसरे में हम कॉम्बिनेशन वही ए बी सी डी ई 5 कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, और यहाँ 0, 1, 2, 3, 4 ये ले लिया। अब यहाँ पर हम इसका अपोजिट कंडीशन कर देते हैं, यहाँ पर हमने क्या था कि ये इंक्रीजिंग एमओसी था, यहाँ हम डिक्रीजिंग एमओसी बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने 100 यूनिट्स, फिर 60, और उसके बाद फिर 30, फिर 10 और फिर 0। अब इसमें मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे आती है, देखिए इसमें मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फर्स्ट छोड़ दीजिए, सेकंड में नुकसान यानी कि जो सेक्रीफाइस किया वो कितना किया 40 का, जो लॉस हुआ वो 40 का और गेन हुआ 1 का, तो एमओसी कितनी आ गई 40। सेकंड में 30 का लॉस हुआ 30, गेन हुआ 1 इज इक्वल टू 30। उसके बाद नेक्स्ट में 20 का 1 20, और इसके बाद नेक्स्ट क्या है 10 का, 10 का नुकसान हुआ यानी कि लॉस हुआ और गेन कितना हुआ 1 यूनिट का इज इक्वल टू 10। तो इसमें एमओसी कैसी है, एमओसी डिमिनिशिंग है या डिक्रीजिंग एमओसी है। डिक्रीजिंग एमओसी, डिक्रीजिंग एमओसी में अब पीपीसी का सेफ कैसा होगा ये ध्यान रखें कि आपको समझ में आ रहा है ये सब चीज़ें।
अब डिक्रीजिंग एमओसी में अगर हम ए कॉम्बिनेशन को जीरो लेते हैं तो यहाँ 100 पर ये एक्स कमोडिटी को ये गुड एक्स है और ये गुड वाई है, तो फर्स्ट यहाँ आ गया। सेकंड पॉइंट 60 का कॉम्बिनेशन है, उसके बाद 2 and 30 का कॉम्बिनेशन है, उसके बाद 3 and 10 का कॉम्बिनेशन है, उसके बाद 4 and 0 का कॉम्बिनेशन है। ए बी सी डी एंड ई पॉइंट, अब इन पॉइंट्स को हम मिला दें तो ये पीपीसी कॉन्वेक्स हो जाएगा, पीपीसी कॉन्वेक्स हो जाएगा। पीपीसी कॉन्वेक्स का मतलब है कि ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स आपने मिरर या वो पढ़े होंगे, तो कॉन्वेक्स हो जाएगा। जबकि ये भी सेप पॉसिबल नहीं होती है पीपीसी में, दोनों सेप पॉसिबल नहीं होती। मैंने आपको तीनों तरह की सेप बनानी सिखा दी हैं कि अगर ये कंडीशन होती है तो इस तरह से सेप बन सकता है, ये कंडीशन होती है, ये एमओसी पर डिपेंड करता है। जो पीपीसी की सेप है वो किस पर डिपेंड करती है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर डिपेंड करती है, और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो हमेशा इंक्रीजिंग होती है। अब आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे, तो यहाँ आपको यहाँ इतना समझ में आ गया होगा। अगर ये आप सब अच्छे से समझ रहे हैं और आपको ये सब चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू वेरी मच।